वक्त की बड़ी खबर, ज्योति मौर्य के केस में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है जो सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। ज्योति मौर्य का हो गया निधन, सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहा तेजी से वायरल, जानिए क्या है इसकी पूरी सच्चाई। हम आपको बताते चले कि फेसबुक पर ज्योति के निधन से जुड़ी पोस्ट वायरल होने लगी है। इसमें एक तरफ डेड बॉडी की फोटो है जबकि दूसरी ओर ज्योति मौर्य की फोटो है। यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया में चल रही है। पिछले महीने जब आलोक ने सोशल मीडिया पर सामने आते हुए ज्योति पर आरोप लगाया तो यह मुद्दा घर घर में छा गया। कई लोग आलोक का पक्ष लेने लगे तो कोई ज्योति का समर्थन करने के लिए आ गया। लोग उनके बारे में सोशल मीडिया पर लिखने भी लगे। इसी तरह हाल ही में ज्योति मौर्य को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर धड़ल्ले से वायरल होने लगी। इसमें दावा किया गया कि ज्योति मौर्य का निधन हो गया। ज्योति मौर्य के बारे में तमाम तरह की जानकारियां पिछले कुछ दिनों में वायरल हुई है। इसके पल पल के अपडेट पर लोगों की नजर है। पीसीएस अधिकारी के साथ अफेयर चलाकर चर्चा में आए मनीष दुबे को सस्पेंड का आदेश तक दिया जा चुका है। इस बीच फेसबुक पर ज्योति के निधन से जुड़ी पोस्ट वायरल होने लगी। इसमें एक तरफ डेड बॉडी की फोटो है जबकि दूसरी ओर ज्योति मौर्य की फोटो है जिसे एडिट करके माला पहनाया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि आलोक मौर्य के फंसाने के लिए ज्योति मौर्य मर गई। अभी अभी ज्योति मौर्य का निधन हुआ। इसके जरिए यूजर्स ने दावा किया है कि ज्योति ने आलोक को मामले में फंसाने की कोशिश की है। यह पोस्ट फेसबुक पर कई लोगों ने शेयर की है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और ज्योति मौर्य के निधन को लेकर जो वायरल दावे की सच्चाई क्या है आप लोगों को बताते हैं। ज्योति मौर्य के निधन, आत्महत्या आदि को लेकर किए जा रहे दावे पूरी तरह गलत हैं। ज्योति की ना तो मौत हुई है और ना ही उन्होंने आलोक को फंसाने के लिए आत्महत्या की है। फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया पर यूजर्स दावा किए जा रहे हैं, ऐसे दावे पूरी तरह से झूठे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर तमाम लोग ज्योति और आलोक के बारे में कई झूठी व फेक न्यूज भी चला रहे हैं। वे कई तरह के थंबनेल बनाकर लगा दे रहे हैं ताकि लोग उस वीडियो या फिर पोस्ट को पढ़ने व देखने के लिए क्लिक करें। इसी तरह ज्योति के निधन को लेकर भी चलाया जा रहा जो कि पूरी तरह से फेक है। पिछले दिनों ज्योति ने उनके बारे में फेक न्यूज चलाने वालों को चेतावनी भी दी थी, साथ ही यह भी साफ किया था कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। वैसे आप लोगों का क्या कहना है, जो भी चैनल फेक न्यूज चला रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ आप लोगों का कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और एक चीज आप लोगों को बता दें कि ऐसे ही खबरों से जुड़ी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए आज की खबर में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।